हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं मीढ़ीक, जो कि मीढ़ीक बहुत ही फेवरेट जगह है। मैं कितनी भी बार जाऊँ मेरा मन ही नहीं भरता है, इसकी वादियाँ इतनी खूबसूरत हैं और मीढ़ीक लेक। तो आइए आज हम लोग चलते हैं मीढ़ीक। मीढ़ीक जाते वक्त जो दोनों तरफ चाय के बगान और ये वादियाँ और ये रोड्स मुझे इतने पसंद है कि मैं पूरे रास्ते मुझे लगता है कि मैं सिर्फ वीडियो ही बनाते जाऊँ। तो इसीलिए मैंने रोड का भी इतना सारा वीडियोस बनाया, क्योंकि इसकी वादियाँ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और वैसे सिर्फ मीढ़ीक ही नहीं, नॉर्थ बंगाल है ही इतना खूबसूरत। हम लोग कहीं भी चले जाए हमारा दिल ही नहीं भरता है, ऐसा मन करता है कि देखते ही रहे, बस देखते ही रहे। शायद इसीलिए हमारे विश्वकवि रविंद्रनाथ ठाकुर भी इन वादियों से दूर नहीं रह पाते थे। वो कभी भी आ जाते थे यहाँ अपने हाथों के कलम के जादू से कविताएँ लिखने। तो हम लोग कैसे दूर रह सकते थे, आइए हम भी चलते हैं। और मीढ़ीक पहुँचते ही हम लोग चले गए मीढ़ीक लेक और उसके पास बने मीढ़ीक पार्क की तरफ। मीढ़ीक पार्क में बहुत ही सुंदर सा एक गार्डन बना है, जहाँ पे आप बैठ सकते हो, अपना पिकनिक भी मना सकते हैं और अपना अच्छा सा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आई एम श्योर यहाँ बैठ के ना मैं घंटों बिता सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन हम लोग के पास उस दिन टाइम कम था, तो इसीलिए हम लोग चले गए मीढ़ीक को एक्सप्लोर करने के लिए। जो लेक है उसके पार हम लोग आ गए ब्रिज क्रॉस करके, और यहाँ हम लोगों ने देखा बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक फॉरेस्ट है। जहाँ से हम लोग निकल रहे थे तो वहाँ हमें दिखे कुछ हॉर्स। मैंने उसका वीडियो बिल्कुल नहीं बनाया, क्योंकि मुझे वो नज़ारा कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वही उनका अब्यूज़ लोग उन पर चढ़ के अपना एंटरटेनमेंट खुद को देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन मुझे ये सब बिल्कुल नहीं पसंद। एनीवे हम लोग उसके बाद चले गए थोड़ा सामने, और वहाँ पे लगा था एक अमेजिंग सा साइन, जो कि अभी तो एक ट्रेंड बन गया है किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पे जाते हैं। तो आई लव मीढ़ीक जो था, हमने वहाँ पे पिक्चर खींची और फिर हम लोग चले गए वहाँ एक मंदिर के दर्शन करने, जहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, कम से कम 100 से ऊपर ही होंगी सीढ़ियाँ, क्योंकि वो बहुत ऊपर था।
सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते ना हमें ये क्यूट सा प्यारा सा दोस्त मिल गया था जो हमारे साथ चल रहा था, और हमें अच्छा लगा कि इसका भी कंपनी हमें मिला। ये हम लोग पहुंच गए देवी माता के मंदिर। फिर हमने मंदिर के अंदर दर्शन किए हम लोग। और फिर हम लोग चले गए, बगल में एक मॉनेस्ट्री था तो वहाँ के दर्शन करने, लेकिन बैड लक उस दिन वो मॉनेस्ट्री बंद थी किसी कारण से, तो हम लोग बाहर से घूम के फिर आ गए। और वहाँ से आते आते हमें दिखा ये वाला पॉन्ड जहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ थी और सब मछलियों को खाना डाल रहे थे, तो हमने भी मछलियों को खिलाया कुछ, और मैं ये वीडियो बनाया क्योंकि मुझे बहुत प्यारी लग रही थी ये। और फिर हम लोग आ गए ये वाली मॉनेस्ट्री जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, और ये पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर है। यहाँ पे भी हम लोग बहुत सी चढ़ाई करके फिर पहुँचे थे, और यहाँ से जो नज़ारा है, अगर आप मेरी जाओ कभी भी तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि आप ये वाली मॉनेस्ट्री तो ज़रूर जाना। मॉनेस्ट्री में जाते ही एक जो शांति मिलती है वो तो है ही, लेकिन इसकी जो नज़ारे हैं वो अमेजिंग है। और उस दिन तो और भी अच्छा हुआ था कि जैसे ही ऊपर हम लोग पहुँचे मॉनेस्ट्री में तो बारिश होने लग गई थी, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग गया था वेदर हमें, तो हमने वहाँ पर कुछ टाइम बिताया। और जैसा मैं कह रही थी कि यहाँ के नज़ारे ये देखिए, ये जो व्यू है ना, ये व्यू मैं करीब 2 घंटे वहाँ पे बैठ के इंजॉय करती रही कि हाँ, वहाँ पे जो चढ़ाई हम किए थे वो चढ़ाई मतलब पैसा वसूल। अगर ऐसा व्यू देखने के लिए इतना चढ़ाई करना पड़े तो मैं 1000 बार करने के लिए रेडी हूँ। और फिर हम लोग आ गए वहाँ से वापस, और ये रोड बहुत अच्छे लगते हैं मुझे पहाड़ों के स्पेशली ऐसे ही, और उस दिन तो बारिश भी हो रही थी, तो हम लोग धीरे धीरे नीचे आए। तो ये थी हमारी मेरी टूर, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए, आपकी कमेंट्स से मैं मोटिवेट होती हूँ। और सबको थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस देखने के लिए।